हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कितने सुंदर से ये मार्केट के जैसे सूज बनाए हैं और इनको मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और इनको मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर लिया है। बिना सिलाई मशीन के सुई धागे से बनाया है और इसमें मैंने प्लास्टिक की वेस्ट पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल और वेस्ट पड़े हुए कपड़े से बनाया है। तो चलिए इन सूज को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह की वेस्ट पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल में से और ये देखिए कितना छोटा सा ये कपड़ा है, इनमें से आज हम जूते बनाएंगे। बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए, किसी के लिए भी आप इनमें से जूते बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये वेस्ट पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल ली है। तो सबसे पहले हम बोतल को कट करेंगे। हम इस पार्ट को हटा देंगे, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करना है। इसे हम अपने जूते का सोल बनाएंगे जिसे हम पानी में भी पहन सकते हैं, बिल्कुल हमारे जो जूते हैं वो बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैर का एक ड्रॉ कर लिया है। अपनी चप्पल को रख कर मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। तो इसी तरह से हम ये बोतल पर भी इस कार्डबोर्ड को रख कर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से रख लेंगे। जो हमने ये ड्रॉ किया है इसी के नाप से हमें सब कुछ ड्रॉ करना है। देखिए मैंने इसका ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसे मैंने कट कर लिया है, तो अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। टेप की हेल्प से हम इन दोनों को कवर कर लेंगे। तो हम कोई भी टेप लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर एक चौड़ा वाला टेप है तो मैंने ये ले लिया है। आप कोई भी टेप ले सकते हैं। जो हमारा कार्डबोर्ड है इसे हमें टेप से बिल्कुल कवर करना है। इससे क्या होगा, ये कार्डबोर्ड है वो हमारा खराब नहीं होगा पानी में जाकर। तो ये देखिए मैंने इस तरह से भी बना लिया है। तो अब हम इसी के नाप का ये कपड़ा कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल रखा है, तो कपड़े को हम एक एक इंच से ज़्यादा कट करेंगे क्योंकि उसे हम सुई धागे से सिलेंगे, तो उसके लिए हम एक एक इंच ज़्यादा कट करेंगे। तो ये देखिए सोल भी हमारा काफ़ी मजबूत है और ये हमने इसका कपड़ा भी कट कर लिया है। जो हम इस पर कपड़ा लगाएंगे, तो एक कपड़े को हम नीचे लगाएंगे और एक को हम ऊपर लगाएंगे। इस तरह से एक कपड़े को हम नीचे रखेंगे, जहाँ पर हमने ये बोतल लगाई है उस हिस्से को हम नीचे रखेंगे और जहाँ पर हमने कार्डबोर्ड लगाया है उसे हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। और इसके हम जो किनारे किनारे हैं इन पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर का पार्ट कट कर लेते हैं। आप अपने पैर के अनुसार उसे कट कर सकते हैं। तो आप अपना पैर लें इस तरह से और जितनी लंबाई आपको रखनी है ऊपर के कपड़े की उतनी आप लंबाई ले लें और उसके बाद जितनी चौड़ाई आपका चौड़ा पैर है उसी हिसाब से आप अपना कट कर लें। और एक इंची हमें बढ़ा कर लेना है, इधर से भी एक इंची बढ़ा के लेना है और जो हम यहाँ से यहाँ तक कपड़ा कट करेंगे यानी कि नाप लेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक इंची बढ़ा के लेना है इस तरह से। तो ये देखिए
मैंने यहाँ पर एक एक इंची यहाँ पर बढ़ा के लिया है कपड़ा, और एक इंची मैंने यहाँ से लिया है। और मुझे अपने कपड़े की लेंथ इतनी रखनी है, यानी कि मेरा पैर पूरा ढक जाए इतना मुझे रखना है। तो मैंने इस तरह से ले लिया है। अगर आप इस तरह से नहीं नाप सकते तो आपने जो ये सोल बनाया है उसे रखें, और जहाँ से भी आपको ये कपड़ा रखना है यानी कि इतना रखना है यहाँ से, तो इस तरह से रखकर और आधा इंच एक इंची का गैप इधर और एक इंची इधर की साइड में इस तरह से फोल्ड करके, और हम दो दो इंची दोनों साइड से कपड़ा छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमें इसके सोल से इसका मार्क करना है। उसके बाद हम कट कर लेंगे इसे। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको कहाँ से कहाँ तक ये कपड़ा रखना है उसी के हिसाब से आप दो दो इंची ये कपड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे ये हमारा इस तरह से हटकर ऊपर की साइड में आएगा, जो कपड़ा हमारा यहाँ से और यहाँ तक लगेगा इस तरह से पैर को कवर करने के लिए। तो इसे भी हम गुलाई में कट कर लेते हैं। तो इस पर मैंने ड्रॉ कर ली है गुलाई में। आप अगर इसे और भी थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो हमने ये लगाया है कार्डबोर्ड, वहाँ पर हम ये बुकरम लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड में ये बुकरम लगा दिया है इस तरह से, और इसके लिए भी हम यहाँ पर बुकरम ले लेंगे इसी के नाप का। तो मैंने इस कपड़े को ऐसे रखा है, इसी तरह से मैंने ये बुकरम भी इसी के नाप का कट कर लिया है, तो इसे भी हम ले लेंगे। तो अब हम जूते का अपना सोल लेंगे, और जो हमने बुकरम लगाया है उसे हम इस पर चिपका लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू का यूज किया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे तो ये हमारा बेस इस बुकरम के साथ सिल्क यानी कि चिपक जाएगा ऐसे ही रखने से। अब हम अपना कपड़ा लेंगे, एक कपड़े को हम नीचे रखेंगे, एक कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए हमारा ये सोल है वो काफ़ी मजबूत बना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलपिन लगा लेंगे जिससे कि ये सेट हो जाए, और उसके बाद हम इस पर सिलाई करेंगे। हम इसे बिल्कुल मजबूत सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलपिन लगा दी है, एक आलपिन मैं इस साइड में लगा दूंगी, एक आलपिन मैं नीचे और एक ऊपर लगा लूंगी। सिर्फ हमें कपड़े कपड़े में आलपिन लगानी है। ये देखिए मैंने इसमें आलपिन लगा ली है पूरी। तो यहाँ पर मैंने ये मोटी वाली सुई ली है और ये धागा लिया है, तो इसे हम सिल लेते हैं। उससे पहले हमने जो ये आगे के लिए कपड़ा कट किया है और ये बुकरम कट किया है, इसे पहले हम चिपका लेते हैं जिससे कि ये इसमें सेट हो जाएगा। तो बुकरम हमारा थोड़ा सा बड़ा कट गया है तो उसे हम कट कर लेते हैं। बुकरम को हमें इतना लेना है जितना कि ये कपड़े से थोड़ा छोटा हो, जिस तरह से हमने सोल बनाया है उसके लिए हमने थोड़ा छोटा छोटा कपड़े को थोड़ा बड़ा रखा है, सोल को हमने थोड़ा छोटा रखा है, इसी तरह से हमें बुकरम को रखना है। तो अब हम बुकरम भी मैंने डबल लिया है, इससे हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो काफ़ी हार्ड सा बनेगा और जो थोड़ा सही रहेगा, इसलिए मैंने कपड़े को बुकरम को डबल लिया है। आप चाहे तो एक बार ले सकते हैं, आप चाहे तो इसके लिए फॉर्म सीट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये बुकरम था मेरे पास तो मैंने बुकरम का यूज कर लिया है। आप फॉर्म सीट का यूज भी कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा बनता है। तो इसे मैंने चिपका लिया है, इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड से कर देते हैं जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे हम साइड से कर देते हैं। अब हम अपना सोल लेंगे और इसे हम सिल लेंगे।
सिलने से क्या होगा, आप चाहें तो ऐसे ही इसे बना सकते हैं। सिलने से क्या होगा कि जो हमारा ये सोल है काफ़ी मजबूत बनेगा, तो इसलिए हम इसे सिल लेंगे। तो ऐसे ही हम इसके चारों ओर ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह से सिलाई लगानी है हमें। ऐसे हम इसके चारों ओर सिल लेते हैं इसे। तो ये देखिए सोल को मैंने सिल लिया है अच्छे से, तो ये काफ़ी मजबूत बन गया है। तो अब हम अपनी आलपिन को निकाल देंगे। तो ये देखिए काफ़ी मजबूत है। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, ये हमारा बैक का है। तो ये हमें याद रखना है, ये फ्रंट है और ये बैक। तो बैक को अलग रखना है, फ्रंट को हमें अलग, क्योंकि ये दोनों साइड से एक जैसा लग रहा है, तो हमें उसी चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमने जो इसके आगे जो लगाने के लिए ये कपड़ा है, तो इस पर हम पहले यहाँ पर पाइपिंग लगा लेंगे, जो कि हमें बाद में लगाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम पहले यहाँ पर ये पाइपिंग लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर का कपड़ा लिया है, थोड़ा हम इस साइड से फोल्ड करेंगे और थोड़ा हम दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इसे रखते हुए इस तरह से रखेंगे और इस तरह से। तो इसकी हम यहाँ पर पाइपिंग लगा के तैयार कर लेते हैं। तो इसे इसकी पाइपिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने थोड़ा पतला वाला धागा लिया है ब्लू कलर का ही, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से। और तो ऐसे ही हम ये पूरी पाइपिंग सिल के तैयार कर लेंगे। तो इसे फोल्ड करते हुए हमें सिलना है, इस तरह से फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पाइपिंग दोनों साइड से लगा ली है और ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। आप कोई और भी कलर की लगा सकते हैं। अब हम अपना सोल लेंगे और इसे हम यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए हैं, क्योंकि मैं यहीं से इन्हें लगाऊंगी। तो इस तरह से रखकर हम इसे पहले पिन अप कर लेते हैं, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। जो भी इसमें साइड से थोड़ा सा कपड़ा निकल रहा है उसे हम कट कर देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसलिए मैं इसे कट कर रही हूँ। तो यहाँ से मुझे ये सोल इसे लगाना है, तो पहले मैं एक फिन यहाँ लगाऊंगी और एक बार मैं इस साइड से, तो एक फिन मैं इस साइड में लगाऊंगी और एक हम सेंटर में लगाएंगे यहाँ पर। तो इस कपड़े को हमें सिर्फ कपड़े कपड़े में लगाना है, सोल के अंदर नहीं लगाना है। एक बार हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये जूता इस तरह से आएगा। तो अब हम पहले इसे सिल लेते हैं, आप चाहें तो बिना सिले ही इसे पाइपिंग लगा लें। मैं यहाँ पर इसे सिल रही हूँ, जिससे कि ये जूता है वो हमारा काफ़ी मजबूत बनेगा। तो इससे मैंने वही वाला धागा लिया है जिससे मैंने इसे सोल को सिला था, उसी धागे से मैं इसे सिलूँगी। ऐसे हम इसे पूरा सिल लेंगे चारों ओर से, जिससे ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा।
इसे मैंने पूरा सिल लिया है। अब हम इसकी आलपिन निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा जूता काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंफर्टेबल बना है। तो अब हम इसके चारों ओर जिस तरह से हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई थी उसी तरह से हमें इसके चारों ओर पाइपिंग लगानी है। तो अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का ही कपड़ा लिया है और उसमें से भी मैंने यहाँ पर ये 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली है। तो इसे भी हम जैसे हमने पहले फोल्ड किया था उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से दोनों साइड से, और इस तरह से रखते हुए हम इसकी चारों ओर से किनारियां लगा के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप चाहें यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो चारों ओर लगानी है तो कहीं से भी हम इसे रख लेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहें इसे पहले प्रेस से बिठा कर उसे उसकी पाइपिंग लगा सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। तो यहाँ से फोल्ड करते हुए और इसकी चारों ओर हम ये पाइपिंग सिलकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर पाइपिंग लगाई थी उसी तरह से हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। तो इसे भी हम सिलकर तैयार कर लेते हैं इसमें। तो ये देखिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से लगानी है चारों ओर। अगर आप इस तरह से ये पाइपिंग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या करें कि जो हमने ये कपड़ा लिया है उसे पहले इसे स्लीपर को उल्टा रख लें और पहले हम इसे ऐसे सिलेंगे चारों ओर से, उसके बाद इसे पहले हम इस तरह से सिल लेंगे, फिर इसके बाद हम इसे सीधा करते हुए इसे यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से हम इसकी पाइपिंग लगा लेंगे। तो ऐसे भी आप सिल सकते हैं या फिर आप दोनों साइड से फोल्ड करके और इसके चारों ओर ये पाइपिंग लगा सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए लगाने हैं। तो इसे हम सिल लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सिल लिया है। यहाँ पर पीछे आगे इसे नॉट कर लेंगे। तो इसकी पूरी पाइपिंग को मैंने सिल लिया है अच्छे से। इसे हम अच्छे से नॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम धागा काट देंगे। हमारा जूता बनके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर जो हमने ये पाइपिंग लगाई है उसी कपड़े से हम यहाँ पर एक फ्लावर लगा के लगाएंगे, जिससे कि काफ़ी सुंदर लगेगा। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। ऐसे ही हम दूसरा सूज बना लेंगे। तो ऐसे ही मैंने ये दूसरा सूज भी बना लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 2-2 इंची की पट्टियाँ कट कर ली है और इसे मैंने डबल बार फोल्ड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड कर लिए हैं। अब हम अपनी सुई और धागा लेंगे। जितना भी बड़ा आपको फ्लावर बनाना है उतनी लंबी आप ये पट्टी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 इंची की लंबाई रखी है इस पट्टी की और इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपनी सुई इस तरह से डालेंगे इसके अंदर। और इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे। अब हम इन दोनों कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और यहाँ पर इनको सिल लेंगे। यहाँ पर इन दोनों को सिल लेंगे। ऐसे हम धागे को खींच लेंगे जिससे ये फ्लावर हमारा बन जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है। तो अब हम इस पे एक मोती लगा देंगे। कोई भी कलर का आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर वाइट कलर का ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सुई को हम इस साइड से डालेंगे, इसमें अपना वाइट कलर का मोती डालेंगे। तो अब हम अपना ये सूच लेंगे और इसके ऊपर हम इसे यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। इसे हम यहाँ पर सिल लेते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने सिल दिया है और ये हमारा सूज कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है मार्केट के जैसा। इसी तरह से आप और भी इसमें फ्लावर बना बना के लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एक ही काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही हम दूसरे सूज पे लगा लेंगे।
तो ये देखिए दोनों पे मैंने फ्लावर लगा लिए हैं और ये हमारे सूज कितने सुंदर लग रहे हैं। और आपने देखा होगा इसे हमने वेस्ट पड़े हुए कपड़े से और प्लास्टिक की बोतल से बनाया है और कितने ही आसान तरीके से बना लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।